हे गाइस, माय नेम इज विक्रांत। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं काम कर रहा हूँ एक कमीशन आर्टवर्क पे, जो कि मेरे पास कुछ टाइम से था। मैंने उसे थोड़ा बहुत करने की कोशिश की थी, एक बार मैं उसमें फेल हो गया तो इमेज खराब हो गई। सो आई एम स्टार्टिंग इट अगेन और इस वीडियो पे काम कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास ये कमीशन आर्टवर्क है, साथ ही और कुछ कमीशन आर्टवर्क्स भी है जो कि मैंने ऑर्डर लेके रखी है, और कुछ इंक्वायरीज वगैरह भी आ रही है, तो इट्स अ गुड टाइम। और अभी मैं इस पे काम करूँगा। ये बहुत एक सिंपल सा ब्लैक एंड वाइट स्केच होने वाला है, स्केच पोर्ट्रेट होने वाला है, जो कि काफ़ी सही है और एक अलग टाइप का इमेज है, जो कि मैंने अभी तक इस टाइप के इमेजेस पे मैंने काम कर किया नहीं है। सो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट और काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने आपके पीछे सेटअप सेट कर लिया है, सामने ही मेरा फीचर वॉल है और एक रेफरेंस जो भी है मेरा, वो मैं मेरे टैबलेट में रखने वाला हूँ, क्योंकि एक बड़ी स्क्रीन पे यू नो जूम वगैरह करके बहुत ही अच्छे से इमेज दिखने मिलेगा मुझे वहाँ पे। और सामने मेरी नोटबुक है, ड्राइंग बुक है जो मैं रखने वाला हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेटअप और अभी मैं इस पर काम करूँगा। और जैसे ही इसे कंप्लीट करते हैं, मैं बीच बीच में आपसे बात ही करते रहूँगा वीडियो के बीच में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो एंड तक। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और ये तो एक टाइमलेस वीडियो होने वाला है, लेकिन चैनल पे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है। वाटर कलर पेंटिंग्स जो कि आप पीछे देख रहे हो, उस तरीके की वाटर कलर पेंटिंग्स, डिजिटल आर्ट वर्क भी मैं रिसेंटली कर रहा हूँ वो भी अवेलेबल है, स्केचेस है, हाइपर रियलिस्टिक स्केचेस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, चैनल की बाकी सारी वीडियोज देखो। आई होप यू लाइक इट एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो गाइस, जैसे कि मैंने कहा, ये वाला स्केच बहुत ही अलग होने वाला है मेरे बाकी सारे स्केचेस से, क्योंकि बाकी सारे जो भी स्केचेस थे मेरे, उसमें रेफरेंस इमेज जैसे कि तैसे मैंने यूज़ की थी, जैसे कि तैसे मैंने स्केच किया था रेफरेंस इमेज को लेकर। लेकिन इस बार ये जो स्केच मैं बना रहा हूँ, इसमें मुझे काफ़ी अलग से रेफरेंस इमेज को ध्यान में रखते हुए एक अलग स्केच निकालना था, जो कि सिमिलर भी दिखे और अलग भी हो जो मेरा मेन रेफरेंस इमेज था उस हिसाब से। तो मुझे एक रेफरेंस इमेज दी गई थी, उसमें काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें थी इमेजेस के अंदर, और जो हमारा मेन यू नो पर्सन है जो कि स्केच में होने वाले हैं, तो उनके पास मतलब बहुत सारे अलग अलग उसमें वो फोटोज़ में अलग अलग चीज़ें थी जो उन्हें उसमें नहीं चाहिए थी, जो निकालनी थी। तो मैंने सबसे पहले वो रेफरेंस इमेज दिया, और जो IBS Pentax ऐप में यूज़ करता हूँ एडिटिंग या फिर डिजिटल आर्ट के लिए, तो वहाँ पर मैंने उस रेफरेंस इमेज को लिया और वहाँ पर उस रेफरेंस इमेज को मैंने उनके जो भी सजेशंस थे, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, उस हिसाब से मैंने उसे चेंज किया है और उसे एडिट किया है उस ऐप में। और उसके बाद में एक मैंने अपने लिए एक जो स्केच होने वाला है फाइनल स्केच, उस हिसाब से मैंने एक रेफरेंस इमेज बनाई, एडिट की, और फिर उससे लेकर मैं स्केच बनाने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ द थिंग, उस चीज़ के लिए मैंने कहा कि ये एक इमेज है और ये एक स्केच है जो कि सबसे अलग है बाकी सारे स्केचेस से। तो वैसे ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ थी मेरे लिए, एक स्केच पोर्ट्रेट किसी को भी अगर बनाना हो तो ये एक चीज़ बोलना या फिर ये चीज़ बातें करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि आप रिक्वायरमेंट को समझो और उनके यू नो सजेशंस को समझो और उसके हिसाब से काम करके दो, क्योंकि जो भी हो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो, लेकिन फाइनली जो हमारे क्लाइंट होते हैं या फिर जिनको स्केच चाहिए होता है, जो ओनर होते हैं, उनकी ही रिक्वायरमेंट मैटर करती है और उन्हें जिस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। तो ये एक चीज़, ये एक टिप रहेगी हर एक आर्टिस्ट को, अगर आप देख रहे हो ये वीडियो को, सो अपने क्लाइंट से बात करो, उन्हें जो भी चाहिए एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट उनकी क्या है वो देखो और इस हिसाब से ही काम करो, सो दैट आपका काम भी अच्छे से होगा और आपकी मेहनत भी यू नो कम से कम मेहनत में आपका ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे, कम से कम गलतियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाओगे और जल्दी जल्दी काम पर आ पाओगे। सो या दैट्स इट, दिस इज़ द स्केच। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बहुत सारी वीडियोज आएंगे, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you so much for watching.